हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्की पीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आई है एक इंडियन विस्की, रॉकफोर्ट रिजर्व। जी हां, आज मैं करूंगा इसका डिटेल रिव्यू, बताऊंगा कि किस प्राइस रेंज में ये मार्केट में मिल जाती है और क्या हमें उस प्राइस रेंज में इसे बाय करना चाहिए या नहीं। गाइस, रॉकफोर्ट आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ मोदी डिस्टिलर्स। इनकी और भी बहुत सारी विस्कीज़ हमारी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और सभी विस्कीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट की, रॉकफोर्ट रिजर्व की। इसमें कुछ कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये ब्लेंड है स्कॉच मॉल्ट्स का प्लस इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स का, और जो इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स हैं उनको चारकोल के साथ फिल्टर किया गया है, उसके बाद उसको ब्लेंड करके इसमें जो है डाला गया है बोतल में। तो यही देखेंगे कि क्या ये जो चारकोल फिल्टरिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, क्या वो सच में पीने में इतना अच्छा है। ये एक अल्ट्रा प्रीमियम विस्की है और ये कम्पीट करती है ब्लेंडर प्राइड रिजर्व के साथ, उसके बाद एंटीक्यूटी ब्लू के साथ, सिग्नेचर प्रीमियम के साथ, स्टार वॉकर के साथ। तो जितनी भी 1100 की विस्कीज़ आती हैं उसमें ये सबके साथ कम्पीट करती है। प्राइस की बात कर ली जाए तो ये रॉकफोर्ट रिजर्व पंजाब में, अपनी सिटी जलंधर की बात करूँ तो जलंधर में मिलती है 1100 रुपीज़ की। जो नॉर्मल वाली है वो 100 रुपीज़ इससे कम है। रॉकफोर्ट जो क्लासिक आती है वो 1000 की है, लेकिन ये वाली आपको जलंधर पंजाब में मिलेगी 1100 की। और मेरे हिसाब से पंजाब में ये 1050 से लेके 1100-1150 तक आपको मिल जाएगी। चंडीगढ़ में ये आपको मिलेगी 800 रुपीज़ की। जी हाँ, तो प्राइस जो इसका ये प्रीमियम की तरफ जाता है, कम प्राइस नहीं है। तो यही चीज़ें ध्यान में रख के आज मैं इसका रिव्यू करूँगा कि प्राइस जो है ये भी एक प्रीमियम हम पैसे दे रहे हैं, हम कोई कम पैसे नहीं दे रहे। तो अब जल्दी से मैं इसको पोर करता हूँ ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्ट। तो चलिए थोड़ा सा पोर करते हैं इसको ग्लास में। गाइस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं। तो कलर जो है इसका है ज़्यादा डार्क नहीं है, एक शाइनिंग कलर है। अब लेग्स देख लेता हूँ इसकी कि लेग्स कैसी बन रही हैं। दोस्तों, इसकी मीडियम से थोड़ी हैवी लेग्स बन रही हैं, मीडियम से थोड़ी सी हैवी साइड पे है। तो अब जल्दी से करते हैं इसकी नोजिंग। चीयर्स। जैसे ही मैं इसको नोज कर पा रहा हूँ, सबसे पहले एक फ्रूटी अरोमा आपके जो है नोज को कवर कर लेगा। काफी अच्छा एक फ्रूटी अरोमा आ रहा है, हल्की हल्की, जैसे कि चारकोल फिल्टर्ड वाली इसमें ग्रेन स्पिरिट्स को जो है डाला गया है, तो चारकोल की हल्की हल्की खुशबू इसमें से आ रही है। वुड का काफी अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से। वुडीनेस जो है काफ़ी हैवी वुड है, वुड्स के काफ़ी अच्छे नोट्स आ रहे हैं। गाइस, जैसे कि ये 42.8% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है, तो मुझे वो अल्कोहल का भपका इसमें नहीं मिला, ये बात मुझे अच्छी लगी। नोजिंग काफ़ी इजीली मैं कर पा रहा हूँ, नोजिंग काफ़ी अच्छी है। अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। चीयर्स। वुडीनेस, वुड का काफ़ी अच्छा अरोमा आपको मिलेगा और नीट पीने में हल्का सा बर्न भी देगी। जी हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल स्मूथली नीचे गई, आप इसको नीट मत पीना, किसी के साथ मिक्स करके पीना। स्मूथली जा रही है, लेकिन वो जो बर्न है आपके पैलेट को बर्न, और आपकी नेक को, ये आपकी थ्रोट को बर्न कर देगा। मुझे भी वो बर्निंग इफेक्ट आया है, लेकिन जैसे ही ये नीचे गई, वुड का काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है। पीने में ज़्यादा मुझे फ्रूटीनेस नहीं मिल रही, हल्का सा स्मोक मिल रहा है। थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगा मैं इसको, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें,
अब दोबारा से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। पानी ऐड करने के बाद मिठास की तरफ चली गई है काफ़ी अच्छी। इसमें से एक शुगरी सिरप जैसी मिठास अब आनी स्टार्ट हो गई है। फ्रूटीनेस जो है वो ज़्यादा ओपन अप हो गई है। मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको नीट मत पियो, किसी के साथ मिक्स करके पियो। पानी के साथ काफ़ी अच्छी जा रही है। मेरे हिसाब से अगर हम इसमें सोडा भी ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छे से जाएगी। टेस्ट में टेस्ट की जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा ओपन अपनी हो रही। वुडीनेस और चारकोल का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, जैसे कि 1100 की ये मिलती है पंजाब में और 1300-1500 में हमको जो है एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए भाई आज मैं इसको जो रेटिंग दूंगा ये दूंगा 7.1 out of 10। आप में से किस किस को ये पीने में अच्छी लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।